Maybelline Faces Lakme 9 Plus Color Bath Skin Care में Oshia Wow Rich Feel Raga और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में Pile Beauty Corner मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबरा में आप सभी को पता ही होगा कि MIM पार्टी की बॉडी जो टूट चुकी है, रऊफ लाला जो MIM के कलवा मुंबरा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष थे, उनके इस्तीफा देने के बाद आज मुंबरा रेलवे स्टेशन के पास आफरीन हॉल में MIM पार्टी के तरफ से एक मीटिंग ली गई थी। इस मीटिंग में MIM के महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट गफ्फार कादरी, मुंबई के प्रेसिडेंट फैयाज अहमद शेख, मुंबई महिला प्रेसिडेंट रिजवाना शेख और मुंबरा के नगर सेवक शाह आलम सैफ पठान, लिसान अंसारी और MIM पार्टी के और भी प्रवक्ता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मीटिंग में मुंबरा कलवा विधानसभा क्षेत्र में MIM पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। और वहीं सैफ पठान को कलवा मुंबरा विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। भिमंडी के MIM पार्टी के गुड्डू खालिद को हफ्ता वसूली के आरोप में जो गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट ने पत्रकारों के सवालों का जवाब क्या दिया है, सुनिए। साथ देने में कुछ कम पड़े हैं, सर इसको दुरुस्त करेंगे। अभी आपको बता दूं मैं, ये मीटिंग के इमीडिएट बाद भिवंडी के वो आए, हमारे जो खालिद गुड्डू साहब है उन पर जो कार्रवाई हुई है हम समझ के करना चाहते हैं। असर साहब ने जो ट्वीट किया, व्हाट्सअप किया, डॉक्टर तुम बहुत अच्छा कर गए, मुलाकात कर, मैंने देखो उनके भाई से बात किया, उनके वकील से बात किया। हम किसी गुनाहगार की मदद करना नहीं चाहते, मतलब किसी को बेगुनाह को सियासी दुश्मनी के आग में अगर टारगेट किया जाता है हम उसकी मदद करेंगे। आज यहाँ आने का मकसद जो पिछड़ा हो गया उसका जवाब देना मुश्किल है। हिंसा का जो जो कमियां और खामियां भी उसको दुरुस्त करेंगे। गांधी साहब आखिरी दो सवाल है मेरे। पहला सवाल, औरंगाबाद सेंट्रल और इम्तियाज जली ये दो सीटें MIM की 100% विनिंग सीट थी, हारने की क्या वजह? देखो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम वोट हासिल करने का हूँ। आप जो बोले औरंगाबाद सेंट्रल है, औरंगाबाद सेंट्रल औरंगाबाद ईस्ट ईस्ट, देखो ईस्ट का कैंडिडेट मैं था जी। 2014 में मुझे 60,000 वोट मिले थे, के पसीने छुड़ाए थे आपने और मैं 4,000 वोट मिला। अब मुझे 80,000 वोट मिला और मैं 12,000 वोट से बात है, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियाँ हम दूर करेंगे उसको। और थोड़ा सा इस बात का भी दुख है कि हम प्रकाश बहन को साथ में ले नहीं सके, उनका एहतमान हासिल नहीं कर सके। मैं इतना छोटा आदमी हूँ, हाँ मैं इनकी गलती कह सकता हूँ, उनकी गलती कह सकता हूँ, मगर मैं समझता हूँ हम थोड़ा सा बदकिस्मति का शिकार हो गए। दूर करेंगे चीज़ों को, सियासत है, इक्वेशन जम नहीं पाते। अभी बहुत सारे वक्ताओं को आपके सुना, शुरू से सुनते चले आ रहे हैं जब से पूरे भारत में MIM टूटी है, एक बात आपकी पार्टी की तरफ से हर नेता कहता है सेकुलर पार्टियों के झांसे में मत आओ, और दूसरी तरफ आप लोग कहते हो संविधान बचाओ, तो संविधान ही सेकुलर है तो सेकुलर के झांसे में ये दोहरा मतलब वो डुप्लीकेट जी। देखो ना राहुल गांधी ने क्या बोलिया, यानी उनकी टीम में बीजेपी के एजेंडा है, नहीं वो तो रिट्रीट भी किया ना उन्होंने, कहा मैंने निजी में भी ऐसी बात नहीं कही है, नहीं किया था जो भी हुआ। हमारा ऐसा कहने का है जो सेकुलर पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती है उनके कहने में और करने में, तो हम जो है उनके डुप्लीकेट सीडो सेकुलरिज्म झूठे सेकुलरिज्म के खिलाफ, यानी जब आप सत्ता में थे आपने कुछ देना चाहिए, सत्ता में तो इंसाफ करना चाहिए, क्या किया उन्होंने? देखो ना 70 साल हुकूमत किए, देखे मुसलमानों की हालत कैसी, समझा समझ के देखो ना, सच्चा कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी,
इसके बाद रणजीत पहुंचे अभी इनकी हालत इतनी दलितों से बदतर हो गई और कैसा बदतर कर सकते हैं, यानी वो सोच रहे थे, वो सोचे भी हैं कि 70 साल ने हमें कहाँ पहुँचा दिया, अब इनको हम सेकुलर बोलेंगे क्या? क्या इनके कंडक्ट से सेकुलरिज्म दिख के आता क्या? इसलिए उसके खिलाफ है। भारत के संविधान का जो सेकुलरिज्म है वो सही से सेकुलर सर। मुमरा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ना टोरेंट का है, अब मुमरा के लिए जो टोरेंट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप आम जनता के लिए क्या हेल्प करोगे टोरेंट के लिए? जो टोरेंट इन लिए जैसे कि 2000 बिल के बजाय 1 महीने बाद वो डायरेक्टली 20,000 बेच रहे, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? जुम्मा 8 दिन की पार्टी है हमारे, पर फिर भी फैयाज खान जैसे साथी हमारे पास है, सर कई आजमी साहब जैसे हो, हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस बात की मांग की थी कि लॉकडाउन की मुद्दत का जो बिल है वो माफ कर दिया जाए। हमने पत्ती भुजाकर 5 मिनट का एजिटेशन किया था, आज भी हम इस कोशिश में हैं कि कम से कम पैसे कम होना चाहिए। बीच में मुख्यमंत्री जी के मुंह से बात सुनने में आई थी कि जो डोमेस्टिक इनका रिक्वायरमेंट 100 यूनिट्स का है वो माफ़ कर दिया जाएगा, जो 300 तक है उसको 20% दिया जाएगा, 300 से 500 तक है 30% दिया जाएगा, धार्मिक स्थलों का हॉस्पिटल्स का कुछ कम किया जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर के असरा राज्य भी हो चुके हैं, आप बेकम आप हैं मुमरा की फेकम पार्क की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट गवर्नमेंट की फेकम पार्क की बात कर रहा हूँ। फेकम पार्क सब जगह चल रही है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देख दिया, हम थोड़ा सा आश में आ गए थे, अब नहीं हुआ था पब्लिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन करेंगे। और दूसरी बात कैसी है, आज की घड़ी में कोरोना का पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक में बड़ा एजिटेशन मोर्चा जूस निकालना मुश्किल बात है, इस सभा का परमिशन दिए वो भी सरकार में जीतते अच्छी बात है, हमने भी सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, तो हमारे लिमिटेशन है उसको आप समझिए, अगर हम जनता के साथ। आपने जो बात कही कि ड्रोन कंपनी हम हवा को नीचो रहा है, ये बहुत बुरी बात है, राहत नहीं मिलेगी जनता के लिए, आप लोग क्या करोगे इसके लिए? राहत नहीं मिलेगी आप लोग उसके लिए क्या एक्शन लोगे? अगर हमने कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, मैंने कहा ना मुख्यमंत्री ने फेंके थे या पैसे कम करने वाले हैं, हमने कहा कुछ राहत मिलेगी, अगर वो फेंकम फाकिज रहे अब हम तय करेंगे इंशाल्लाह, जरूरत पड़े तो हाईकोर्ट के दरवाजों को खटखटाएंगे रस्तों पे आएंगे। गांधी साहब 2014 2019 2017 का कॉर्पोरेशन इलेक्शन, ये तमाम मुमरा कौसा का थाने मनपा का सब देखने के बाद जो झटके लगे अब उसके चलते नवनियुक्त अध्यक्ष युवा है साहब पठान, क्या उम्मीद है आपको और भैया भाई? इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा और तारीखी नतायज दर्ज होंगे इंशाल्लाह।